हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों कॉर्न की कबाब। तो आए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप कॉर्न। कॉर्न को मैंने गर्म पानी में रख दिया था, क्योंकि आजकल हम फ्रिज में रख देते हैं ना, तो इसको मैंने 2 घंटे पहले निकाल दिया था। इसको गर्म पानी में रख दिया था, ये अच्छे से गर्म हो गया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक मिक्सी का जाल। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कॉर्न को उठा करके सारा हम इसमें डालेंगे। और इधर मैंने लिया था आधा कप चने का दाल, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पानी में रख दिया था फूलने के लिए। तो ये अच्छे से फूल गए हैं, और इसको मैंने 2-3 पानी धो के मैंने डाला था फूलने के लिए पानी में। तो इसको भी हम कॉर्न के साथ ही चना दाल को हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये जो कॉर्न की कबाब बना रही हूँ मैं, इसे चने दाल डालने से बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है। और चने का दाल और कॉर्न में भी क्या विटामिन है वो तो पता ही है दोस्तों, लेकिन टेस्ट दुगुना बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मैं चने दाल भी मिक्स कर दी हूँ आधा कप। तो यहाँ पर इसको अभी मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, इसको ढक्कन लगा करके हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर इसको पीसने से पहले हरी मिर्च नहीं डालना भूल गई थी दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पर मैं पीसने से पहले 2 हरी मिर्च डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक को काट लिया था बारीक, इसको भी मैं डाल देती हूँ इसी में पीसने में, क्योंकि इस तरह से अदरक मिलता है बच्चों का, मेरे बच्चों का तो वो खाते नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें मिला करके पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने पीस लिया है दोस्तों ये कॉर्न, चना दाल, अदरक, हरी मिर्च को। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, और इसमें पीसने में बिल्कुल भी पानी नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि दोनों अच्छे से फूल चुके थे तो काफी पानी रहता है इसमें, तो मैंने यहाँ पर पानी नहीं डाला पीसने वक्त। अगर पानी में डाल देते थे पेस्ट जो है वो हमारा ये मतलब पतला हो जाता और कबाब बन नहीं पाता। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है कुछ इस तरीके से, ज्यादा मैंने फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। तो चलते अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अब हम इसमें मिला लेते हैं एक प्याज, जिसको मैंने बारीक कट किया था। साथ में डाल देते हैं यहाँ धनिया पत्ता, छोटी चम्मच से 1 चम्मच भर के डाल रहे हैं। यहाँ पर हम ये सोया चाप मसाला आता है वो वाला। तो यहाँ पर मैंने इतना हल्दी डाला है दोस्तों कलर के लिए, ये देखिए, आपको वीडियो नहीं दिखा पाई। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हरी मिर्च डाला है तो यहाँ पर कम डाल रही है चिली फ्लेक्स, आप तीखा अगर ज्यादा नहीं खाते तो आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स हटा सकते हैं। साथ में डाल रहे हैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इधर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, इसमें मैंने डाला आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच साबुत जीरा। तो ये देखिए, ये अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब इसको हम बैलन से निकाल करके इसको पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जीरा और सौंफ का पाउडर बना लिया दोस्तों, अब इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 नींबू ले लिया है, तो नींबू का रस इसमें हम डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं एक मसाला जो रह गया था, वो है गर्म मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। अब हम इसमें बैंडिंग के लिए देंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 ब्रेड का क्रम्स, तो इसको यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी 3 से 4 चम्मच डाले हैं, तो इसको चलते हैं सबसे पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसका कबाब, कॉर्न का कबाब बहुत अच्छा लगता है दोस्तों खाने में, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में। और ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसको हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिए हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, मैंने कबाब का शेप देने के लिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है। आपके पास अगर वो लकड़ी वाला आते ना इस तरह से, तो अगर वो है तो आप वो ले लें, अगर नहीं है तो पेंसिल से आप यहाँ पर कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, आप क्या करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर एक लोई ले लेंगे, जैसे हम आटा का लोई लेते हैं, और इसको इस तरह से रब करेंगे यानी रोल, और इसके इधर से इस तरह से हम पैन डाल देंगे, और इस तरह से लंबे साइज में जैसे कबाब रहता है उस तरह हम सेब यहाँ पर दे देंगे इस तरह से राउंड करके, क्योंकि बच्चे ट्यूशन गए और शाम के वक्त में मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। तो चलते हैं एक कबाब बना के आपको दिखा लेते पहले।
तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मैंने ये कबाब इस तरीके से डाल करके बना लिए हैं। अब इसको यहाँ पर थाली ले लेंगे और इसको निकाल करके आपको दिखाती हूँ दोस्तों। इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ये देखिए, और ये हमारा एक कबाब बन करके रेडी हो गया है। तो चलते हैं, बाकी का हम इसी तरह से बना लेते हैं। गैस पर कढ़ाई रख दिया है तेल डाल करके गर्म होने के मीडियम आंच में। तब तक जब तक इधर हमारा तेल गर्म हो तब तक हम कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब बना लिए हैं दोस्तों, ये देखिए। अब चलते हैं, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इधर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम कबाब इसमें हम डालते जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा आराम से डालेंगे क्योंकि तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अभी यहाँ पर मैंने तीन डाला है क्योंकि ये अच्छे से हम इसको फ्राई करना है हमें, तो यहाँ पर ज़्यादा हम नहीं डालते हैं। तो और इसको हम मीडियम आंच में हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मीडियम आंच में रखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि अगर तेज़ आँच में करेंगे तो ये ऊपर से तो एकदम पक जाएगा लेकिन ये अंदर से पकेगा नहीं, क्रिस्पी नहीं होगा अंदर से। तो हम मीडियम आंच में इसको पहले अच्छे से हम पका लेते हैं। अब इस देखिए, जैसे जैसे ये पक रहा है वैसे वैसे कलर भी इसके चेंज हो रहे हैं। तब क्या करते हैं, अब इसको हम पलट लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम पलट लेते हैं दोस्तों, ये देखिए। अब इसको चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है ये कबाब, कौन सी कबाब। इसको भी अब हम दूसरे तरफ से अच्छे से हम इसको पका लेते हैं। थोड़ा चलाते वक्त कैमरा इधर उधर हो गया दोस्तों, क्योंकि अगर बच्चे घर पे रहते हैं तो बना देते हैं, और अब स्कूल का भी टाइम चेंज हो गया है, लेट आते हैं बच्चे, तो इसी वक्त मैं वीडियो बनाती हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ यहाँ पर। और दोस्तों, आप लोग पूरा से पूरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, इसी तरह से हम कबाब को अलग पलट करते हुए हम इसको अच्छे से हम सेक लेते हैं अंदर तक, इसको अच्छे से पका लेते हैं मीडियम आंच में। और जब ये अच्छे से सिल जाएंगे फिर हम आँच हल्का बढ़ा देंगे क्रिस्पी होने के लिए। तो यहाँ पर कबाब को सेकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से कबाब सेक गए हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं, और ये लग रहा है ना कि ये कौन का कबाब नहीं है, एकदम हम जैसे दुकान से लेके आते हैं मार्केट से वो उस जैसा लग रहा है ये कबाब। तो चलते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं, एक एक करके निकाल लेंगे यहाँ पर। और इधर देखिए दोस्तों, मैंने कबाब को निकाल लिया है। मैंने यहाँ रोटी वाला पेपर रखा है दोस्तों, जो भी है एक्स्ट्रा तेल होगा ये पेपर सोख लेगा। तो चलते हैं, इसी तरह से हम बाकी का कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ पर तेल मीडियम में ही रहेगा, यहाँ पर अभी बढ़ाएंगे नहीं। अब यहाँ पर सब डाल देते हैं दोस्तों, इसको हम मीडियम आंच में अच्छे से पका लेते हैं। जब तक इधर ये सेक रहे हैं तब तक हम चटनी बना लेते हैं, हरी चटनी। यहाँ पर मैंने हरी चटनी बनाने के लिए लिया, यहाँ पर मैंने हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, थोड़ा अदरक का टुकड़ा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने मिक्सी जार ले लिया है, तो ये हरा धनिया मिर्ची वगैरह हम सब डाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे दही, तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 चम्मच दिया है दही। अब इसमें हम डाल देते हैं चटनी के हिसाब से, टेस्ट के अकॉर्डिंग से नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग। और थोड़ी सी डाल देते हैं यहाँ पर जीरा। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको हम पीस लेते हैं चटनी को। तो ये देखिए दोस्तों, ये कबाब भी हमारा रेडी हो गया है। तो चलते इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं
जब भी ये कबाब बनाए दोस्तों, तो यहाँ पर डालते वक्त आँच को थोड़ा सा तेज कर दीजिएगा। उसके बाद जब ये हल्के पकने लगे, उसके बाद आप मीडियम कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से कबाब, ये देखिए बन करके हमारा रेडी हो गया है। तो चलते हैं, इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से नाश्ता बच्चे बहुत पसंद करते हैं दोस्तों, और हम बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अब गैस को कर देते हैं बंद। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कबाब बन करके रेडी हो गया है। कॉर्न का कबाब बन करके रेडी हो गया है दोस्तों, ये देखिए। हमारा चटनी भी रेडी हो गया है, ये देखिए। तो चलते हैं, अब चटनी को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने कटोरी पहले से ले ली थी, अब चटनी को निकाल लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, तो अब मैं कबाब आपको थाली में निकाल करके दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने थाली में निकाल लिया है दोस्तों, और इसके हरी चटनी में हम थोड़ा सा प्याज भी मिला दिए हैं। अब ये कबाब को मैं आपको दिखाते हैं दोस्तों, एक तोड़ करके। ये देखिए, ये बहुत अच्छा कबाब बना हुआ है। आप इसको इस तरीके से चटनी में लगाइए प्याज के साथ, और इसको आप बहुत अच्छा बना हुआ दोस्तों, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों? तो मेरी ये रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों, कौन का मैंने कबाब बना है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।